सो फ्रेंड्स, आज हम लेने वाले हैं 17,000 रुपए का विड्रॉवल बैनमो से। जी हाँ, तो यार बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, डायरेक्टली आएंगे वीडियो के ऊपर। और आप अभी देख सकते हैं मेरी पीसी की स्क्रीन, और यहाँ पे बैनमो के लाइव अकाउंट से मैं लॉग इन हूँ। यार बैनमो में ना एक चीज़ है, अगर आपको विड्रॉल चाहिए रहता है ना, तो आपको डिपॉजिट के बटन पे क्लिक करना होता है और वहाँ पे जाके आपको विड्रॉल का ऑप्शन मिल जाता है, विड्रॉल हिस्ट्री और बहुत सारी चीज़ें। तो यार यहाँ पे क्लिक करते हैं डायरेक्टली डिपॉजिट पे। लेकिन यार उससे पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो वीडियो है ना, मैं 24th को शूट कर रहा हूँ और ये जो विड्रॉल है 21st को मैंने प्रोसेस कर दिया था, 21 को प्रोसेस किया था। शूट इतनी लेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिला यार इन बिटवीन। तो लेकिन फिर भी मैं सारे प्रूफ के साथ आपको दिखाने वाला हूँ। यार विड्रॉल लेने के बाद मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि अकाउंट में जो बैलेंस है वो कब मेरे शो हुआ, यानी कि क्रेडिट हुआ बैंक अकाउंट में 17,000 रुपीज। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेज, और यहाँ पे कुछ पर्सनल डिटेल्स हैं जो कि फिल करनी इंपॉर्टेंट होती है, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ETC। ये आप जैसे ही फिल कर देते हैं, उसके बाद जैसे ही कंटिन्यू पे जाते हैं, यहाँ पे प्राइस आप देख सकते हैं, प्राइस इन द सेंस कि अमाउंट आप देख सकते हैं 17,000 रुपीज। प्रोसेस करने के बाद प्रोसेसिंग पेज आ जाता है कि भैया आपने विड्रॉ प्रोसेस कर दिया है एंड विद इन 24 to 48 hours आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा अमाउंट। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है, अगर आपका अकाउंट VIP है, स्टैंडर्ड से मतलब थोड़ा ऊपर है, तो आपका जो विड्रॉ है वो 1 to 3 hours के अंदर प्रोसेस हो जाता है। आपको तो पता ही है, ये प्रिविलेज रहते हैं, एडवांटेज रहते हैं आपके VIP अकाउंट्स के, अगर आप होल्डर हैं तो। उससे पहले एक चीज़ और बता देता हूँ, बैनमो पे अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो यार आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इन फ्यूचर जो गिवअवेज भी आएंगे रिलेटेड बैनमो, तो वो भी आप एनरोल कर सकते हो फ्री में। और अगर फास्ट विड्रॉल एंड द सेकंड थिंग और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जहां पे लोगों को जरूरत पड़ती है, तो यार समटाइम्स ना लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि सर ये जो मेरा विड्रॉ है इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या मेरा अकाउंट से बैलेंस जो है वो डिडक्ट हो गया बट डिपॉजिट नहीं हो पाया। यार मैं बहुत अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों की इस मामले में मैं हेल्प कर चुका हूँ। अगर आपके विड्रॉ डिपॉजिट से प्रॉब्लम हो रही है या कोई भी प्रॉब्लम अकाउंट से रिलेटेड, बट द थिंग इज कि अगर आप इस पर्टिकुलर लिंक से जो डिस्क्रिप्शन में दिया है रजिस्टर होते हैं, तो ही मैं आपकी हेल्प कर पाता हूँ, क्योंकि तभी मैं ट्रैक कर पाता हूँ कि बेसिकली प्रॉब्लम जो है वो बैंक की तरफ से है या फिर बैनमो की तरफ से है। तो इसीलिए काफ़ी सारे फायदे हैं, तो ज्वाइन हो जाओ। अभी एक और इंपॉर्टेंट चीज, 21st को मैंने विड्रॉ जो है वो प्लेस किया था, रिक्वेस्ट प्रोसेस की थी, तो यहाँ पे मैं आपको टाइमिंग दिखा देता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं अपने पीसी की टाइमिंग नहीं दिखाने वाला हूँ, मैं आपको जो टाइमिंग दिखाऊंगा वो दिखाऊंगा गूगल पे। गूगल पे टाइप करते हैं टुडेज टाइम, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भैया ये जो है टाइम है, टाइम कितना हो रखा है अभी, 4:13। 21st को 21 में 4:13 पे मैंने जो है विड्रॉ रिक्वेस्ट प्रोसेस की है। और अब क्या करेंगे, हम एक ब्रेक लेते हैं, आप भी चाय पानी पी के आओ और मैं भी ब्रेक लेता हूँ, और जब भी ये अकाउंट, ये माफी चाहूँगा, ये जो अमाउंट है मेरे पास क्रेडिट हो जाता है मेरे अकाउंट में, तब वीडियो को जो है वो रिज्यूम करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो बैलेंस है वो मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है, साइड में मोबाइल स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर मैं पीसी में नहीं रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। और आज जो हमने विड्रॉ लिया था वो किस मेथड से लिया था, इंडियन कैश से हमने विड्रॉ लिया था। बहुत सारे मेथड्स है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। यार बहुत सारे लोग बोलते हैं विड्रॉ से रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स होती है, तो उनको भी मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगा, लेकिन पहले विड्रॉ देख लेते। तो भैया विड्रॉ मुझे कब रिसीव हुआ, ये मुझे रिसीव हुआ 5:26 पे, ठीक है, 21st को ही। नोट करने वाली बात है, गूगल पे जाके आप टाइमिंग चेक कर सकते हैं, लाइव चीज़ें दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो मुझे विड्रॉ मेरे अकाउंट में आने में जो टाइम लगा वो लगा 1:13, यानी कि 1 hour 13 minutes, या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बोल सकते हो आप एग्जैक्ट टाइमिंग से, थोड़ा बहुत 10-15 minutes आगे पीछे, दैट्स इट। इतना टाइम एग्जैक्टली लगा है 1:13, और जो कि मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा टाइम है। जो स्टैंडर्ड अकाउंट है उनमें 1 to 2 days या फिर ज़्यादा भी टाइम लग जाता है, उससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यार अभी कुछ लोग बोलेंगे कि भैया आप बैंक अकाउंट कौन सा यूज़ कर रहे हो, तो यार मैं जो बैंक अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ वो कोटक महिंद्रा बैंक का अकाउंट है। और आप बोलोगे कि मेथड कौन सा यूज़ किया, तो इंडियन कैश का मैंने मेथड यूज़ किया है। लॉट्स ऑफ मेथड्स, आपको ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि यही मेथड यूज़ करो, आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, इंडियन कैश मैंडेटरी नहीं है, कोई भी यूज़ कर सकते हो यार आप, ठीक है। बट ज़रूरी है कि अगर आप रजिस्टर नहीं हुए हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रजिस्टर ज़रूर कर लेना।
एंड द थिंग इज टेलीग्राम पे अगर आप ज्वाइन नहीं हुए हो तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, डेली अपडेट्स मिलती है वहां पे, डेली अपडेट्स, डेली मार्केट की, यानी कि आज के दिन कौन सी बेस्ट करेंसी होने वाली है, कौन सा बेस्ट मार्केट है या फिर कौन सी बेस्ट स्ट्रैटेजी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है आज के दिन के लिए। तो यार अमाउंट जो है विद इन 1 आवर 13 मिनट्स में मेरे पास रिसीव हो गया है। तो यार बहुत सारे लोग ये भी पूछेंगे कि इज़ इट सेफ़ टू यूज़ एंड ऑल, हमें विड्रॉ मिलता है या नहीं मिलता, तो उन लोगों के लिए एक छोटी सी चीज़। और कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि आपने इधर छोटा विड्रॉल क्यों लिया, आपके अकाउंट में तो 6 लाख समथिंग का बैलेंस है। तो यार उन लोगों को बताना चाहता हूँ, विड्रॉ जब भी प्रोसेस करो ना, छोटे विड्रॉल प्रोसेस करो, बड़े विड्रॉल मत प्रोसेस करो। वीकली विड्रॉल आप ले सकते हो, हर एक वीक में विड्रॉल हो, लेकिन ज़्यादा बड़े कोई 1,50,000, यानी कि यार मेरे हिसाब से छोटे छोटे विड्रॉल हो जितने की आपको ज़रूरत पड़ती है। मेरे को अभी अकाउंट में बैलेंस चाहिए मेरे, यानी कि जो बायनमो का अकाउंट है इसमें मुझे पैसे चाहिए, इसलिए अभी मैंने छोटा विड्रॉल लिया है। और आप भी छोटे विड्रॉल ले सकते हो, क्योंकि ज़्यादा बड़े विड्रॉल लेने से पहले आपका अकाउंट वेरीफाई कर लो। सबसे पहले क्या करो, बायनमो डाउनलोड करो गिवन लिंक से, और उसके बाद अपने अकाउंट को वेरीफाई कर लो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन आपको रिक्वायर्ड मांगा जाता है तो स्पेसिफिकली। उसके बाद आपको डिपॉजिट करना है छोटा सा, बड़ा डिपॉजिट स्टार्टिंग में कभी मत करो, छोटा डिपॉजिट करो। डिपॉजिट करने के बाद टेस्ट करो, यानी कि 2-4 ट्रेड लो और विड्रॉ प्रोसेस कर दो किसी भी मेथड से। अगर आपके पास विड्रॉ रिसीव हो जाता है, मतलब सारी जो प्रोसेस है बिल्कुल स्मूथ है, तो क्या करना है उसके बाद, विड्रॉ जैसे ही रिसीव हुआ उसके बाद चाहे आप वापस डिपॉजिट करो, क्योंकि प्रोसेस का स्मूथ होना ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस का इंक्रीज होना ज़रूरी है। तो यार उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी आप लोगों को, लाइक कमेंट एंड शेयर आप कर ही देंगे, अगर आपको पसंद आई है तो ऑफकोर्स आप करेंगे। तो यार मुलाकात करेंगे और एक्साइटिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अवर चैनल, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।